हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत जो आपका वेस्टर्न रेलवे 3624 पोस्ट पे रेलवे का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और ऑल ओवर इंडिया से अगर बात करें तो हजारों छात्रों ने इसमें फॉर्म अप्लाई किया और धीरे धीरे करके वेस्टर्न रेलवे का जो भी डिवीजन है उसका एक एक करके आपका डीवी के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा, ठीक है, जिसमें से बेसिकली 3 डिवीजन का अपडेट आ गया है। उसके बारे में हमने पुराने वीडियो में चर्चा किया, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन नहीं तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में आपको सारे डिटेल से मिल जाएगा। फाइनली आपका वेस्टर्न रेलवे की तरफ से एक और मेरिट के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आ रहा जिसके बारे में हम वीडियो के आगे डिटेल से जानने वाले हैं, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि अभी तक पार्टिकुलर उस डिवीजन में बात करें तो कितनी सीटें खाली है और कितने सीटें भर चुकी है, ठीक है ना। और अभी तक का सबसे बेहतरीन जो बोलिए कि वेस्टर्न रेलवे का ये पार्टिकुलर डिवीजन सबसे बढ़िया काम किया है। सोचिए कि डीवी के बाद ज्वाइनिंग कराने में यहाँ पे कोई कोई डिवीजन को तो 5 से 6 महीने तक का समय लग जाता है। ईस्टर्न रेलवे को ही देख लीजिए, फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद यहाँ पे 3 से 4 महीने के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू होता है। पर इस बार वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, मतलब आज डीवी कराइए और कल आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ऐसा ही खबर आपका वेस्टर्न रेलवे के एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से देखने को आ रहा, जिसका डिटेल आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि पार्टिकुलर उस डिवीजन का ट्रेड वाइज कितना सीटें अभी तक बचा हुआ है, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का छोटा मोटा अपडेट आपको वहां पर कंटिन्यू देखने को। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम फाइनली इसके ऑफिशियल मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं और ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट है। और ये बात करें तो वेस्टर्न रेलवे का आपका भावनगर पारा के तरफ से ये मेरिट लिस्ट देखने को मिल रहा और इसमें इतना अच्छा, मतलब इतना क्विक रिस्पांस किया गया है कैंडिडेट और वैकेंसी को देखते हुए, क्योंकि भावनगर पारा का अगर बात करें ना तो वहां पर एक भी अप्रेंटिस कार्यरत नहीं है, सभी का अप्रेंटिस कंप्लीट हो गया है और पूरा भावनगर पारा जो डिपार्टमेंट है, डिवीजन है, पूरा यहां पर ब्लैंक हो चुका है, मतलब खाली है पूरा। इसीलिए डीवी के जस्ट अगले दिन ही कैंडिडेट को यहां पे ज्वाइनिंग के लिए रख लिया गया। मतलब सोचिए कि जितने कैंडिडेट यहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे उनको रेलवे डिपार्टमेंट घर तक जाने नहीं दिया, उनका कहना है कि आपको अभी इमीडिएट ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब जितने कैंडिडेट डीबी में गए जो ज्वाइन करना चाहते थे सभी को उन्होंने ज्वाइन करवा लिया और उसी का डिटेल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड डीबी का क्या यहां पर प्रोस्पेक्टिव बन रहा है, ठीक है। टोटल आपको इसमें 3 लिस्ट दिखाएंगे और ये सारा लिस्ट आपको कहां मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो सीधे आपको चले जाना है प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट पे, वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट में ये सारा अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलेगा। 27/10/2023 के डेट में ये जो मेरिट लिस्ट है उसे अपडेट किया गया है। और यहां पर देखिए, मुख्य कारखाना प्रबंधक का कार्यालय भावनगर पारा गुजरात, यहाँ पे आपका पश्चिम रेलवे, ठीक है। कार्यालय आदेश संख्या 206/2023। विषय में देखिए कि एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, यांत्रिक विभाग और आपका यहाँ पे भावनगर पारा कारखाना, ठीक है। तो भावनगर वर्कशॉप का तरफ से यहाँ पे अपडेट आ रहा है, यांत्रिक विभाग मतलब मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत। और यहाँ पे आपको संदर्भित जो भी यहाँ पे अपना रेफरेंस लिया गया वो सारा आपको अपडेट दिया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित उम्मीदवारों को अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षु के रूप में एंगेज किया गया है। प्रशिक्षु को उनके नाम के सामने दिखाए गए आवंटन ट्रेड के अनुसार भावनगर पारा BG वर्कशॉप में मूल ट्रेनिंग सेंटर BTC में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये आपका कहां का लिस्ट देखने को मिल रहा है, तो सिंपल आपका BTC के तरफ से ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट अर्थात ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट वेस्टर्न रेलवे की तरफ से यहां पे जारी किया गया है, ठीक है। जिसमें आपको क्या क्या डिटेल देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, कास्ट और ट्रेड, टिकट नंबर, जो आपका जिस आपका सीरियल में टिकट डीवी हुआ था उसका टिकट नंबर आपको देखने को मिल रहा, और फाइनली आपको कितना स्टाइपेंड दिया जा रहा है वो देख लीजिए। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे BTC में अगर बात करेंगे तो फीटर वालों का यहाँ पे 7,000 स्टाइपेंड आपको देखने को मिल रहा। और टोटल अगर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का बात करेंगे कि BTC में कितने कैंडिडेट को लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल 28 कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए लिया गया है, ठीक है। जिसमें टोटल यहाँ पे सभी फीटर का है, ये जो आपका पूरा मेरिट लिस्ट है वो आपको फीटर का देखने को मिलेगा। यह मेरिट लिस्ट डिस्क्रिप्शन नहीं तो प्रॉफिट स्टडी का ऑफिशियल साइट में
लेटेस्ट अपडेट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ बातों को बताया गया जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इन सभी उम्मीदवारों को यह स्पष्ट निर्देश है कि प्रशिक्षु अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अनुसार रेलवे का दायित्व तो प्रशिक्षण प्रदान करना है, ना कि प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को समाहित करना है। मतलब आपको बताया जा रहा है कि सिर्फ आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा एक साल का, आपको यहाँ पे जॉब नहीं दिया जाएगा। दूसरा देखिए, प्रशिक्षित अवधि के दौरान प्रशिक्षुओं को नियम के अनुसार समय समय पर लागू स्टाइपेंड, जिसे वाजिफा भी कहा जाता है, का भुगतान किया जाएगा और कोई अन्य भत्ता आपको नहीं दिया जाएगा। सिर्फ ओनली वन आपको स्टाइपेंड रेलवे प्रोवाइड करेगा और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, चयन हेतु प्रशिक्षुओं की छुट्टी, ठीक है, जो आप लीव लीजिएगा, स्टाइपेंड आदि 1961 ट्रेड अप्रेंटिस अधिनियम द्वारा शासित होगा और प्रशिक्षुओं को आधार कार्ड के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। तो आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, इसके साथ आपको अपना नेशनलाइज बैंक अकाउंट आपका लेके जाना है, ताकि आपका जो स्टाइपेंड है तय समय से आपके अकाउंट में आ जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि प्रशिक्षु के साप्ताहिक कार्य घंटा प्रति सप्ताह कार्य के घंटों की कुल संख्या 42 से 48 घंटे होगी। मतलब एक सप्ताह के अंतर्गत, एक वीक के अंतर्गत आपको जो है 42 से 48 घंटा आपसे काम लिया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जिस उम्मीदवार का चयन किया गया है उसे अप्रेंटिस के नाबालिग होने की स्थिति में अपने या अपने पिता अभिभावक द्वारा अप्रेंटिस का अनुबंध, जिसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, निष्पादित करना होगा। यदि प्रशिक्षु किसी ऐसे कारण से प्रशिक्षण पूरा करने में विफल रहता है तो प्रशिक्षुता सलाहकार को स्वीकार नहीं है, तो उसे या उसके पिता अभिभावक को प्रशिक्षुता सलाहकार द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों के अनुसार नियोक्ता को प्रशिक्षण की लागत का भुगतान करना होगा। तो ये सारा डिटेल आपको बताया गया है, आप भी एक बार जरूर से जरूर यहाँ पे इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है। और जिसका भी यहाँ पे ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा, वो कृपया करके अपना नेप्स पोर्टल पे 100% यहाँ पे प्रोफाइल जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, और खासकर अपना EKYC जरूर जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो EKYC आपको मैंडेटरी है कंप्लीट करना, विदाउट EKYC का यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हो पाएगा। ये हम लोगों ने देखा पहला लिस्ट, आपको यहाँ पे सीरियल नंबर दिखा देते हैं। ये देखिए, कार्यालय आदेश संख्या 206/2023 आपको, और यहां पे मेरिट लिस्ट दिखाते हैं। तो देखिए, ये आपका सीरियल नंबर बात करेंगे तो 208/2023 है। सारा जो मेरिट लिस्ट है एक ही दिन आपका निकाला गया, और ये भी आपका भावनगर पारक गुजरात की तरफ से निकाला गया है। इसमें भी आप सभी देख सकते हैं, फीटर ट्रेड के लिए सभी कैंडिडेट को यहाँ पे जो डिपार्टमेंट अलाउड किया गया है, यहाँ पे देखिए रिहाब का है और आपका CUG का है, तो इस तरह करके आपको डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे आवंटित किया गया। तो एक एक करके सभी अपना मिला लीजिएगा, और जिसका भी जहाँ पे सिलेक्शन हुआ है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये फाइनली था यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ा अपडेट है। सोचिए यहाँ पे 23-24 सेशन का, वो भी वेस्टर्न रेलवे का अप्रेंटिस जो आया आपका 3624 पोस्ट पे, फाइनली उसका भावनगर पारा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उनका कैंडिडेट का यहाँ पे ज्वाइनिंग भी होना शुरू हो गया है। सोच लीजिए, बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए, क्योंकि जो डिपार्टमेंट इतना सुस्ती के साथ काम करता था, इतना मतलब डीले काम होता था, वहां पे इतना फास्ट काम कराया जा रहा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि इसका सेकंड DV के रिगार्डिंग क्या अपडेट है। तो देखिए, अभी सीट बहुत सारे सीटें अभी खाली है, ध्यान से सुनिए, अभी बहुत सारी सीटें जो है अभी आपका खाली है, तो आप आराम से बेफिक्र रहिए कि इसका आपका सेकंड DV के रिगार्डिंग बहुत जल्द आपको अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी जितने डिवीजन का नहीं आया, जैसे रतलाम का अभी तक नहीं आया है, अहमदाबाद का नहीं आया है, तो सबका बहुत जल्द आपका मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगा। हो सके तो आपका नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक इसका मेल आना शुरू हो जाए। ठीक है। तो सभी कंटिन्यू अपना मेल चेकआउट करते रहिएगा। बाकी जिसको भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट आता है, आप हमें जरूर जरूर फॉरवर्ड करिएगा। हमें आपको सूचित करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे वहां से भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, और नहीं तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी आप सभी नोट करके रख लीजिए, profitstudy22@gmail.com। आपके भेजे गए एक सिंगल मैसेज से ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट पार्टिकुलर उस डिवीजन से जुड़े हुए हैं, ट्रेड से जुड़े हुए, सभी को इन्फॉर्म करने में सहूलियत प्रदान होगी। तो जरूर से जरूर आपके पास डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी मेल आता है तो हमें जरूर जरूर सूचित करिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।